मैडम जी जेडी तुसी अज रामायण दी कहानी सुनाई सी बहुत वधिया सी। मैडम जी सानू तां पता भी नहीं सी कि मेरा रावण जी धोखे नाल सीता माता ले गए सी। पर मैडम जी आज तक तुसी सीता हरण तक ही सुनाई है कहानी। मैडम जी सीता माता जी बाजी जूंगे ना रावण को। बच्चो ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੱਕਾ ਸੁਣਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ। ਚਲ ਚਲੀਏ। ਆ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੂਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਆਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਾਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਵਾਹ ਮੈਡਮ, ਕਿਆ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਿਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀਜੂ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਡਰਾਈਵਰ। ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨੂੰ मैडम जी कम हो गया। चन्नी भुआ, ਕੜਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਗੁੜ ਵਾਲਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਓਏ ਬੋਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੰਗਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਓਹੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੇਣੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਾ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ड्राइवर मैनू जोरे का फोन आया सी उथे ड्राइवर गड्डी दे कोल बेहोश पाया मिलिया ते अजूनी पुत्र जी उथो गायब ने हुण तुसी जो मर्जी करो जिन्नी मर्जी पुलिस फोर्स लाओ मैनू अजूनी पुत्र जी छेती तो छेती लपने चाहिए ने समझ गए तुसी अजूनी पुत्र जी बारे जो कोई भी इनफॉरमेशन है मैनू छेती दसूंगे तुसी हाँ हाय रब्बा ये की हो रहा है भाजपा परिवार नू ता किसी दी नजर ही लग गई पापा जी हुण की होगा कुछ नहीं होगा अजूनी पुत्र जी नू कुछ नहीं होना पूरे इलाके दी पुलिस लप रही है उन्हां नू पर जिन्हें भी ये कुछ किया ना उन्हें बहुत गलत किया उदा तो हुण पुलिस मुकाबला बनूगा मुकाबला तो फिर बनूगा पापा जी जे ओ थोड़े हाथ होगा जिन्हें सारा कुछ किया ओ तो अपना काम करके निकल गया एक बारी ओ निकल गया तो इत्थे नेड़े तेड़े तक किसी नू भी नहीं दसना उन्हें छेती अंदर लेके चल दिया तुसी ऐदा करो इन्हें जल्दी अंदर लेके चलो पहले चलो चलो सुनी जी की है सुनी जी सुनी जी ये सब होया कितना पापा जी जदों मैं जूनी जी लभ रहा तो मैं सारे टीचर फोन किए मैं जसपाल सर भी किया तो इन्होंने कहा कि मैं भी लभदा पर मैंने जसपाल सर का फोन आया कि जूनी जी की कार उन्होंने एक सुन्ने जे रास्ते खड़ी मिली है तो इन्होंने मैंने फोन करके दसा कि जूनी जी घर लेके आ रहे हैं तो बस पिछे पिछे मैं भी आ गया जी पानी पानी जूनी जी उठो कुछ नहीं अनु रानी सब ठीक है तू कह रही है डरना कर रहे हूं चुपो चुप बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल जी अब तुहाडे करके भाजपा दी नूं सही सलामत घर आ गई मैनू तो समझ ही नहीं लग रही कि मैं तुहाडा धन्नवाद किदां करां धन्नवाद कादा सर यह तो मेरा फर्ज सी अजूनी मैडम मेरे कलीग ने जे मैं अज इन्हां दी मदद ना करदा तो मैं जिंदगी भर अपने आप नूं लानता पाउणियां सन
चंगा जूनी मैडम, अपना ख्याल रखियो, हुन फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। चंगा जी, चलदा हां बीबी प्रधान। जी मेरी ना थानेदार ना गल हुई सी, कल वो चंडीगढ़ तो एक बंदा भेज रहा स्केच वास्ते, थोनू जो जो भी याद आ कि वो कह जा लगदा सी वो दस दे। पर सरावर जी मैनू तो कुछ दिसे ही नहीं, ओदा मुंह ना पूरा पेंट ना रंगया होया सी, मैनू कुछ नहीं दिसया। अचुनी जी बंदे नू फड़न वास्ते बहुत जरूरी है, पर थोड़ा बहुत तो दसना ही पौगा ना जी, कुछ तो याद होगा मना मोटा, कुछ करो याद। हाँ ओदे गर्दन ते ना निशान सी जिवे एस बनया होवे, देखिया सी। और कुछ किहो जिहा सी, किवें दा लगदा सी, कुछ कोई होर गल? जो निके होंगे साडे चो कोई डर जांदा सी तां मम्मी जी की करदे सी? की करदे सी? सानू ना अपनी बाहां विच लैके अपने घर नाल ला लैंदे सी ते कहंदे सी आ बन गई कंध, कोई भी बुरी ताकत एदे विच नहीं आ सकदी। मैं बनावा चाहो कम जी। सर मेरी गल तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता कमिश्नर साहब, मैनू इस केस दे विच रिजल्ट चाहिदा है। सर सानू लगदा है जेड़े बदमाश है वो नेड़े तेड़े रहिंदे अंजनी मैम दे, ते उहनां दी हर हरकत ते उसदी नजर है। सर यह कोई घर का पेती बंदा ही है, जे कोई बाहर का हुंदा ना ते हुण तक फड़िया जाणा सी। सर तुसीं चिंता ना करो, मैं परसनली इस केस नूं हैंडल कर रहा, मैं मैडम की सिक्योरिटी भी वधा दी है, नाले स्केच वाले भी सद्दिया। तुसी जो करना वो करो कमिश्नर साहब, मैनू हर हालत दे विच कल सवेर तक इस केस की अपडेट चाहिए है, समझ गए तुसी? जी सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सवरीन पुत्र जी तुसी इस वेले कित्थों आए? तुहानू पता है ना बाहर का माहौल ठीक नहीं है, जदों तक यह मसला हल नहीं हो जाता उदों तक बाहर अंदर जाना घट करो तुसी। हां जी पापा जी, मैं तो गुरुद्वारे गई सी घर की सुख शांति लई अरदास करन लई। चंगी गल है पुत्र जी, पर अगे तो ख्याल रखियो, जाओ जाके आराम करो।
दीदी साहब सट कि लग गए दीदी साहब की हो दीदी साहब दसो तो सही ते ना ही मेरे हथियार थोड़े हाथों वर्गे कच्चे ने बंदूक होवे तलवार हो सब कोई भी अच्छा उनका तो हथियार ही है ना जे संभाल के वार ना किया तो अपने भी बच सकता उन्हों भी तो मैं वार करने हथियार ही बनाया थी ना पर वो तो मेरे ही सट मार के चला गया मैं कहा सी अजूनी नु डरा के घर बैठाना पर उन्हें वो तो अजूनी के पीछे छदाई होया बैठे पता नहीं की करूंगा उसके पीछे कितने मेरी पोल ना खोल दे उसका कुछ पता नहीं उस पागल ने जूनी के पीछे जूनी के नाल जो भी करूंगा सो करूंगा इन्हों दोवा के चक्कर च मैं ही ना फस जाऊंगा मेरे नाल भी नहीं 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 दीदी साहब दीदी साहब पंगा बहुत वध गया सानू जल्द तो जल्द कुछ सोचना पाऊगा दीदी साहब मैनू तो लगता ओनू हुण रस्ते चो हटाना ही पैना तुहानू जी जनाब जिदा तुसी कहा सी कोठी दी सारी सिक्योरिटी टैड कर दी गई है हुण कोई भी शक्ति बंदा साडी इजाजत तो बगैर बाजवां दी कोठी च पैर नहीं पा सकता जी जनाब तुसी कौन आईडी दिखाओ जनाब मैं अजूनी मैडम दा कलीग हां यशपाल नाम है जी मेरा आईडी दिखाओ हां जी बाइक पीछे लाओ ठीक है जी जो उस बदमाश ने फिर भी साडी कोठी च पैर पाने की कोशिश की या जूनी पुत्र जी नूं किसी तरीके नाल तंग करने की कोशिश की तां उह बच के नहीं जा सकता तुसी सही कह रहे हो पापा जी पर जूनी जी दा किसी बदमाश तो डर के मैं घरे रहना यह मैं सही नहीं लगता क्योंकि मैं किसी सियाने बंदे ने दस्या कि त्रेता युग रावण ने सीता माता डराने लिए बहुत कोशिश की थी। पर सीता माता डरे नहीं बल्कि होर हिम्मत ने उन्होंने सामना किया सीता माता रोज कली बड़ी हिम्मत ना रावण ना लड़ती पता क्यों क्योंकि उन्होंने पता सी कि भगवान राम उन्होंने बचाने जरूर आएंगे मैं भी एक फैसला किया पापा जी कि मैं जूनी जी का साथ कते नहीं छोड़ूंगा हमेशा अपनी अखां के सामने रखूंगा अजूनी जी ने अपनी जिंदगी किवें जीनी घरों बाहर जाना या नहीं जाना यह कोई बदमाश तय नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा अजूनी जी नाल उन्हां दा परछावां बन के रहूंगा जोरा जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आओ मास्टर जी सत श्रीकाल बाजवा साहब सत श्रीकाल सत श्रीकाल जी सारिया नूं ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਆਈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੈਠੋ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
आजो आजो बैठो मास्टर जी। हाँ जी हाँ जी इधर आओ। ओ जी तुसी अपना नाश्ता तो पूरा करो। मेरा नाश्ता वैसे भी हो ही गया सी, तुसी फिकर ना करो, तुसी बैठो। शिंदे प्लेट लेके आ। ठीक है जी, जे तुसी इना कह रहे हो तो आज फिर नहीं संगदे। मास्टर जी तुसी आराम नाल बह के नाश्ता करो, मैं ते जशन एक मीटिंग कर गया है। चंगा पुत्र। थैंक यू जी। अजूनी जी एक गल आ, जदों कोई सच्चे दिलों प्यार करन वाला ये ठान लवे ना कि उसने अपने प्यार दे नेड़े तेड़े किसे होर नू आउण नहीं देना, तां फिर जिठानी जी मैं तो अजे भी कहनी हूँ तुसी थोड़े एक दिन घरों बाहर ना निकलो, मेरा दिल ना अजे भी घबराउंदा है। ये गल तुसी कह रहे हो बीबी प्रधान? मेरा मतलब है जी कि तुहानू ता अजूनी मैडम का हौसला वधाना चाहिए है, सगों तुहानू ता उन्हानू कहना चाहिए है कि वो कॉलेज जान, उदा भी पिंड विच तुहानू बहुत मनते ने, बीबी प्रधान कहते ने तुहानू, ते तुहाडियां गल्लां तो लगता है कि तुसी आप ही डरे पाए हो। रब ना करे जे कल इदा दे बदमाश नाल तुहाडा सामना हो गया तो फिर तुसी की करोगे? सही गल है जेठानी जी, किसे तो डर के घर च नहीं बहना चाहिए, सही कह रहे हैं। नाले जद जोरा जी अजूनी मैडम दे नाल रहेंगे ते उन्हां नू कुछ हो नहीं सकता। ओए बोंगी तू ऐसे कर के रही है, जो भी करना जितना भी करना चक्कर फोटो लग ले, जो किसी होर दे हाथ लगी ना सारा कुछ खत्म हो जाए। जा दफा हो जा। लो जी देख लो जो तुसी देखना है। सरावर जी उदा का निशान नहीं है जो मैं उदी गर्दन के थले वेख्या सी। पर अजूनी जी मैं आप देखा सी, बिल्कुल उवें दा निशान सी जिहड़ा तुसी मैनूं दस्या सी, वो इस वर्गा पर... जोरा जी जे तुहाडी तसल्ली हो गई होवे तां मैं शर्ट दे बटन बंद कर ला, जा हले दोबारा वेखना है जी नेड़े हो। यशपाल सर प्लीज तुसी अपनी शर्ट बंद करो, मैनू लगदा जोरा भाई नू कोई गलत फहमी होगी। जोरा जी हुण तां होगी ना तुहाडी गलतफहमी दूर, हुण तां तुहानू यकीन हो गया होना है कि मैं अजूनी जी नू कुछ नहीं कहा जी, मैं हमेशा अजूनी जी दी हैल्प ही कीती है, ते बंदे दी नेचर हुंदी है जी, ते मेरी बेसिक नेचर ही हैल्पिंग है। यशपाल सर सुरावर जी नूं पक्का कोई गलत फहमी हुई है, सॉरी यशपाल साहब तुहानूं साडे करके इन्नी परेशानी का सामना करना पिया। मैं तुहाडे तों माफी मंगदी हां। माफी मंगण की कोई लोड़ नहीं मैडम जी, जोरा जी ने मेरा यह निशाना दूरों वेख्या होना ते इन्हां ने मैनूं कुछ होर ही समझ लिया। रावर जी मैं थोड़ी हालत समझ सकता, जो कुछ भी हो रहा है उसका थोड़े दिमाग उत्ते बहुत असर पे है, मैनू पता है कि बार बार थोड़े दिमाग विच वही गल घूमती होनी है तो फिर चारे पासे वही दिसदा होना है। जोरा जी जदों असी किसी चीज बारे हद तो ज्यादा सोच लेंदे हैं ना तो साडा सबकॉन्शियस माइंड
यानी कि अवचेतन मन उत्ते भी ना इसका प्रभाव पैंदा है। जोरा जी मैं तुहाडी हालत समझ सकता हाँ, तुसी बहुत स्ट्रेस विच हो ते इस हालत विच बंदे दा दिमाग कदे भी धोखा दे सकता है, पर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। यशपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसी जिहड़ा सारे हालात नूं संभाल लिता, यह काम ना कोई सियाणा बंदा ही कर सकदा, अगर तुहाडी जगह कोई होर हुंदा ना यशपाल सर, उन्हें तो जोरा भाई नूं बिल्कुल गलत ही समझना सी। थैंक यू सर, पर हुण मैनूं इजाजत दिओ, मेरी क्लास का टाइम हो गया। चंगा जी। यशपाल सर अपना समान तो ले जाओ प्लीज। यशपाल सर यह थोड़ी चाबी की रिंग बड़ा प्यारा है। अच्छा अच्छा वो थोड़े घर की चाबी होनी है। नहीं सर यह तो स्टाफ रूम वाले लोकर की चाबी है। पर स्टाफ रूम लोक लगाने की लोड़ है, कोई टीचर भी नहीं लगाता जी। ओ जी बस आदत है, होर कोई गल नहीं। चंगा जी। चलो बाकी अपनी अपनी क्लास चलो। सरावर जी मैं तुहाडे हालात समझ सकती हूँ, पर शायद बार बार इको बंदे बारे सोच के थोनू वहम हो गया है। सरावर जी ते की पता दूरों देख के यशपाल सर नू कोई गलत फहमी हो गई होवे। मैं अपनी अखा ना देखा जूनी जी, पर हुन बोला भी की। चलो ठीक है, हुन मैं ना क्लास चल दी हूँ, लेट हो रही हूँ, ते तुसी अपने दिमाग ते ज्यादा बोझ नहीं पाना। अपना ख्याल रखियो।